अभी इंडिया क्रिकेट टीम के कौन सा टूर्नामेंट चला है, इंडिया और साउथ अफ्रीका की बायलेटरल सीरीज। आप अगर कभी गौर किए होंगे तो आप लोगों ने शायद सुने होंगे कि साउथ अफ्रीका को कभी कभार प्रोटियस करके कहा जा रहा है, या फिर कभी कभार न्यूज में भी देखे होंगे, या फिर अखबारों में आप शायद पढ़े होंगे। लेकिन उन लोगों को प्रोटियस क्यों कहा जाता है? कभी कभार आप लोगों ने सुने होंगे न्यूजीलैंड को क्यूई कहा जाता है, या फिर इंग्लैंड को पॉम्स कहा जाता है। ये सब क्यों कहा जाता है? इंडिया को बाहरी दुनिया के लोग क्या कह के पुकारते हैं? सभी कहूंगा मैं। इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा स्पोर्ट्स टाइम हिंदी पे, ताकि मैं आज आपको सब कुछ बता सकूं। कोई लोग सोचते होंगे कि ये शायद एब्रिविएशन है, या फिर कोई निकनेम है, या फिर ये जो नाम रखा जाता है ये कभी कभार कोई कह देता है तो इसलिए ये नाम हो जाता है उसी का। लेकिन दोस्तों ये नहीं है, इसके पीछे रियल रीजन रहता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड को क्यूई क्यों कहा जाता है? क्यूई आप पहचानते हैं? या कभी आप देखे? जरूर देखे होंगे। क्यूई एक बर्ड है, एक पंछी, जो कि न्यूजीलैंड की नेशनल बर्ड कहा जाता है। इसलिए न्यूजीलैंड को कभी कभार क्यूई करके रेफर किया जाता है। और जरूर न्यूजीलैंड वासी या फिर न्यूजीलैंड के प्लेयर इसे गर्व महसूस करते होंगे। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को कैंगरू कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आप तो जानते ही है, ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल एनिमल है वो कैंगरू। इसके साथ साथ कैंगरू ऑस्ट्रेलिया के अनऑफिशियल सिंबल है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कोट और आर्म में एक एम्बलम की तरह अपीयर होता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया को कभी कभार कैंगरू करके रेफर किया जाता है। साथ साथ बांग्लादेश नेशनल क्रिकेट टीम को द टाइगर कहा जाता है। आप लोगों ने ये बहुत बार सुने होंगे। और टाइगर बांग्लादेश का नेशनल एनिमल है, साथ में इंडिया का भी नेशनल एनिमल टाइगर ही है। लेकिन बाहरी दुनिया के लोग इंडिया को दूसरे नाम से पुकारते हैं। और बाहरी दुनिया के लोग कोई अगर नाम से पुकारेंगे, वो नाम देश के अंदर या फिर देश के न्यूज सेगमेंट के अंदर भी पॉपुलर होता रहता है। जैसे कि बांग्लादेश को टाइगर पुकारा जाता है, वैसे ही बांग्लादेश के अपने लोग टाइगर करके अपने बांग्लादेशी क्रिकेटर को पुकारते हैं। साथ में इंडिया को कहा जाता है मेन इन ब्लू, क्योंकि भारत का जो जर्सी का कलर है, ये जर्सी का कलर शुरुआती दिनों से ब्लू बेस था, इसलिए मैन इन ब्लू रेफर किया जाता है बाहरी दुनिया के लोगों से। और अब हम और आप में से बहुत लोग मैन इन ब्लू कहके पुकारते हैं इंडिया को या इंडियन क्रिकेट टीम को। अभी बात करते हैं साउथ अफ्रीका को प्रोटियस क्यों कहा जाता है। प्रोटियस एक फूल का नाम है, जो फूल साउथ अफ्रीका में ही सिर्फ पाया जाता था। और ये फूल 1976 में इन्वेंट हुआ था, और अभी उस फूल का चाश दुनिया भर 25 से ज्यादा देशों में होता है। और ये फूल कोई अगर फॉरेस्ट में रहता है तो उस फॉरेस्ट में आग लगने से वो उस आग को बढ़ावा नहीं देता है, या फिर आग को रोक देता है ये फूल। और साथ साथ ये फूल है साउथ अफ्रीका के नेशनल फ्लावर, इसके लिए साउथ अफ्रीका को प्रोटियस कहा जाता है। साथ में पाकिस्तान क्रिकेटर्स को कहा जाता है मेन इन ग्रीन या फिर ग्रीन आर्मी, क्योंकि पाकिस्तान के बेस कलर है ग्रीन। साथ में श्रीलंका क्रिकेटर्स को द लायंस कहा जाता है, क्योंकि लायन है श्रीलंका की नेशनल एनिमल, और उनके जो फ्लैग है वहां पर भी लायन दिखता है। उगांडा क्रिकेट टीम को द क्रेन्स कहा जाता है, क्योंकि क्रेन्स है वहां का नेशनल बर्ड। जिम्बाब्वे टीम को कहा जाता है द शेवरॉन्स, इसका मतलब है एक वी आकार के सिंबल जो कि जिम्बाब्वे आर्मी के पास रहता है एक एम्बलम की तरह। नेपाल क्रिकेट को द राइनोस या फिर द गोरखास भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर गोरखा जाति का निवास है। और वेस्ट इंडीज को अभी द विंडीज कहा जाता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज टीम को अभी विंडीज के नाम से रीनेम कर दिया गया है। तो दोस्तों क्रिकेट या स्पोर्ट्स के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा दोस्तों। मुझे इंतजार है दोस्तों मीठे मीठे कमेंट का।